नमस्कार साथियों, इस्पर्स पीएससी एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारा अगला टॉपिक है पाइप एवं टंकी। तो पाइप एवं टंकी के बारे में याद रखिएगा कि जो टॉपिक हम लोग टाइम वर्क हम पढ़े थे, तो टाइम वर्क और ये जो टॉपिक है ये लगभग दोनों सेम है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि दोनों टॉपिक को साथ में दिया होता है। तो जो कॉन्सेप्ट हम टाइम वर्क में पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पाइप टंकी में पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट वही होगा सेम, जो वहाँ पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाना। और याद रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, फिर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पाइप टंकी का। क्वेश्चन जो है ये आपके सीजीपीएससी प्री 2018-19 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए। दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे सेम जो हम वहाँ पे जो हम समय कार्य में जो आदमी की बात कर रहे थे कि एक आदमी किसी काम को 10 घंटे में, दूसरा आदमी 20 घंटे में, सेम है यहाँ पे दो टंकी है। यहाँ पे चीज देखिएगा, यहाँ पे एक टंकी मान लेते हैं, ये टंकी है, ध्यान समझिए कॉन्सेप्ट को, ये टंकी है। अब यहाँ पे नल की बात होगा, यहाँ पे मान लीजिए एक नल लगा हुआ है और इस नल से पानी यहाँ पे डाला गया है। तो या तो एक नल है या तो यहाँ पे दो नल की बात होगा, दूसरा नल भर रहा है, और हो सकता है तीसरा भी दे दे, तीन नल। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, या तो एक नल देगा, दो देगा, तीन देगा, या और एक और रहता है कि यहाँ पे एक नल जो है वो खाली भी करता है। तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो टंकी में जितना पानी भरेगा उसकी क्षमता है, मतलब कितना पानी उसमें आ सकता है। अब उसी को भरने का काम करेगा, उसी खाली करने का काम करेगा। आपको बस ये समझना है कि कौन सा नल भर रहा है और कौन सा नल खाली कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो नल भरेगा वो क्या होगा, जुड़ेगा, और जो नल खाली करेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब वो खाली कर रहा है और ये क्या हो गया, भर रहा है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे नल दिखेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, काम वही होगा, इसको भरेगा या तो इसको खाली करेगा, तो दो ही काम होगा इसमें। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः, मान लो पहला जो नल है वो ए है और सेकेंड जो नल है वो बी है। तो दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे व 3 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। आप ये समझ लीजिएगा कि ये टंकी है। अब ये टंकी में दो नल फिट है, एक को लेते हैं ए और एक को लेते हैं बी। तो यहाँ पे दो नल है टंकी में, एक ए और एक बी। तो ये समझिएगा, यदि मैं केवल नल ए को खोल दूँ तो इसको भरने में, मतलब 2 घंटे में क्या होगा, टंकी पूरा भर जाएगा। यदि बात करूँ मैं नल बी की, तो नल बी को यदि खोल दूँ अकेले, मतलब अकेले अकेले बात हो रही ना, अकेले खोलूँगा 2 घंटे में भर देगा, अब इसको हटा दो। अब यहाँ पे मैं नल बी की बात करूँ तो नल बी को मैं अकेले खोल दूंगा तो ये 3 घंटे में भर देगा पूरा टंकी को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यदि मैं दोनों नल को एक साथ खोल दूंगा तो ये जो टंकी है वो कितने समय में भर जाएगा, हमको यही निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या करेंगे। पहला चीज, हम ए और बी का दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। मतलब ये समझ लीजिएगा कि ये जो टंकी की कुल जो क्षमता है भरने की, जो अंदर में, वो कितना है आपका, 6 है। मतलब कुल क्षमता हो गई इसकी, तो 6 लीटर इसकी क्षमता है। अब 1 घंटे में बात करते हैं हम लोग, तो 1 घंटे में कितना आ जाएगा, ये 1 घंटे में 3 लीटर भरता है और बी जो है वो 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, भाग दिए। तो ए जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा और बी जो है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 2 लीटर। अब दोनों को एक साथ खोल देंगे तो यहाँ पे देखो 3 2 कितना हो गया, 5। मतलब 1 घंटे में ये जो टंकी में 5 लीटर पानी भर जाएगा, थोड़ा कितना है यहाँ पे 6 है, तो क्या करेंगे हम, 6 अपॉन हो जाएगा ये 5, ये 3 और ये 2 दोनों जुड़ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक साथ, तो ए और बी को दोनों को एक साथ करेंगे तो 3 और 2 5 भरेगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, ऊपर 1 नीचे 5। मतलब ये हो गया आपका 1 सही 1/5 घंटे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ है 2 आवर्स 30 मिनट, 5 आवर्स 50 आवर्स, 1 आवर्स 12 मिनट। अब यहाँ पे हमको ये जो आपको फ्रैक्शन दे रहा है, इस फ्रैक्शन को हमको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा
यदि हम घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करते हैं, और यदि हम मिनट को घंटे में बदलेंगे तो वहां पे 60 से भाग देंगे। 60 इसलिए भाग देंगे क्योंकि एक घंटे में कितना होता है, 1 आवर्स इक्वल टू होता है 60 मिनट। तो याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, हम केवल इस फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। तो 1/5 इंटू हो जाएगा 60, 12 × 6 हो गया 60, मतलब ये हो गया एक घंटे 12 मिनट में क्या हो जाएगा ये टंकी, एक घंटे 12 मिनट। तो एक घंटे 12 मिनट में क्या होगा, ये जो टंकी है ये पूरा भर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, बस समझना है हमको कि कौन भर रहा है, कौन खाली कर रहा है, कि दोनों भर रहा है, कि अकेले भर रहा है, बस दिमाग में ये रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीजीपीएससी प्री 2014-15 और एसईएस सिविल इंजीनियरिंग सर्विस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है, दो पाइप ए एवं बी किसी टंकी को क्रमशः 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। तो दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को भरे तो कितने समय में टंकी भर जाएगा। सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले जो हम लोग किए थे, वैसे ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे बात है, एक है नल ए और एक है पाइप बी। तो पाइप ए पाइप बी, पाइप ए भरता है इसको 36 घंटे में और ये पाइप बी होता है इसको 45 घंटे में। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो ये जाएगा 36 और ये हो गया आपका 45। ठीक, तो 9 से करते हैं, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45 सीधा। फिर करते हैं 2 से, 2 × 2 = 9, ये 5 हो गया। फिर आ जाएगा 2 × 1, ये 5 है, फिर हो गया 5 × 1 = 1। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सेम निकालेंगे, यहाँ पे मैं 3 से भी कर सकता था तब भी आता, लेकिन क्या है ना, अब जिससे भी भाग जाएगा उससे आप भाग दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करते हैं, 5 × 2 हो गया 10, 10 × 2 हो गया 20 और 20 × 2 हो गया 9। तो इसका एलसीएम आ गया 180, मतलब इसकी कुल क्षमता कितनी हो गई है, 180 लीटर। मतलब इस टंकी की कुल क्षमता कितनी हो गई, 180 लीटर। अब इसको 36 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, 36 का करेंगे तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 180 बटे अगर मैं 36 करूँ तो 18 × 1 = 18 × 2 कितना आ गया, 5। तो ये 5 भरता है एक घंटे में। अब ये जाएगा आपका 180/45, ये हो जाएगा आपका 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 5, ये भरता है आपका 4। देखिए एक चीज करके बता रहा हूँ कि करना क्या है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे देखो 36 घंटे में भरता है ए, बी भरता है उसको 45 घंटे में। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एक घंटे में भरता है ये 5 और ये, मतलब यूनिट लेते हैं, ये एक घंटे में भरता है 5 यूनिट और ये भरता है एक घंटे में 4 यूनिट। अब पूरा यूनिट है उसकी पुल क्षमता 180 यूनिट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन बोला है यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को भरे तो कितने समय में टंकी भर जाएगा। तो एक साथ दोनों को भरते हैं, कुल कितना क्षमता है इसका, 180। यहाँ पे देखो ये हो गया 5 और ये हो गया 4, कितना हो जाएगा, 9। तो 9 इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक चीज फिर समझ लीजिए ध्यान से, ए की एक घंटे में कितना भरेगा, ए एक घंटे में भरता है आपका 5 और बी जो है वो एक घंटे में भरेगा 4 यूनिट। ठीक है, तो ए प्लस बी एक घंटे में 9 यूनिट पानी को भरेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो कुल है हमारे पास, यहाँ पे याद रखना, तो इफिशियंसी हमारी ये हो गई। तो समय इक्वल टू क्या होता है आपका, वर्क अपॉन इफिशियंसी, यहाँ भी सेम है। तो कुल जितनी है यहाँ पे कितना है, 180 बटे कितना हो जाएगा, 9। तो 9 × 2 = 18, आंसर हो जाएगा आपका 20 घंटे। तो 20 घंटे इसका आंसर है। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे आंसर आप किसी की बना लो, आंसर हो जाएगा इसका 20। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, दोनों 15 15 दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि 20 घंटे में दोनों टंकी क्या करेंगे, इस दोनों पाइप जो है इस टंकी को
भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन, पाइप ए एवं बी किसी टंकी को क्रमशः 5 घंटे एवं 6 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ ही खोल दिए जाए तो यह टंकी कितने देर में भर जाएगी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका SES मतलब सिविल इंजीनियरिंग सर्विस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। तो अभी तक हम दो पाइप की बात कर रहे थे, यहाँ पे 3 पाइप की बात दिया है। दो पाइप क्या करता है, भरता है, और एक पाइप क्या करेगा, यहाँ पे खाली करेगा। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है और एक नीचे पाइप लगा हुआ है। ठीक है, ये दोनों भरने काम कर रहा है, ए बी और ए सी, और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो यदि मैं तीनों को एक साथ खोल दूंगा, देखो एक भर रहा है अलग, एक भरता है अलग, ये खाली करता है अलग, मतलब ये समझ लीजिए कि यदि ये खाली है तो ए भरता है इसको 5 घंटे में, अगर ये खाली है तो बी भरता है उसको 6 घंटे में, यदि ये भरा हुआ है तो सी इसको क्या कर रहा है, 12 घंटे में खाली कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना हमेशा कि जब भी आपको भरने और खाली करने के बारे में पूछेगा तो हमेशा एक चीज क्या होगा, हमेशा क्या होगा, यहां पे जो भरने वाला है वो समय कम लेगा और जो खाली करने वाला है वो अधिक समय लेगा। क्योंकि यदि ये कम समय लेगा तो यहाँ पे पानी ही नहीं बचेगा फिर इस टंकी में। तो हमेशा दिमाग में रखना कि जो भरने वाला होगा वो समय कम लेगा भरने में, और जो खाली करने वाला होगा वो अधिक समय लेगा खाली करने में, तभी यहाँ पे पानी बचेगा, वरना यहाँ पे पानी बचेगा ही नहीं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे 3 नल की बात किया है, ए बी और सी। तो नल ए इसको भरता है 5 घंटे में, नल बी 6 घंटे में, और नल सी इसको क्या करता है, खाली करता है। ठीक है, ये खाली करता है 12 घंटे में। तो 3 नल की बात हो रही है, 5, 6 और 12। अब फिर वही करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ठीक, देखिए मैं शुरू क्लास से ही आपको एलसीएम निकालना सिखा रहा हूँ, तो एलसीएम इसको निकाल दीजिएगा। इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया आपका 60। ठीक है, अब इसकी इफिशियंसी के बारे में आते हैं। तो कितना आएगा, 12 5 6 60, ये भरने काम कर रहा है। 6 करेंगे तो 6 10 60, ये भी भरने काम कर रहा है, और ये हो जाएगा 12 5 6 60, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 5 क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो अब यहां पे क्वेश्चन बोला है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो यह टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब तीनों नल को एक साथ खोलना है हमको, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए जो है, नल ए जो है, ये 1 घंटे में कितना भरता है, 12 यूनिट भरेगा। बी जो है वो 1 घंटे में 10 यूनिट भरा, और सी जो है वो 1 घंटे में 5 यूनिट खाली किया। ठीक, तो ए जो है वो 1 घंटे में 12 यूनिट भरता है, बी जो है वो 1 घंटे में 10 यूनिट भरता है, और सी जो है वो 1 घंटे में 5 यूनिट खाली करता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि यहां पे देखो 12 और 10 कितना हो गया, ये हो गया आपका 22 हो गया, और 5 खाली कर रहा है कितना हो गया, ये 17। तो 17 यूनिट क्या हो रहा है, यहां पर भर रहा है। मतलब यदि ए, यदि ए बी और सी, यदि ए बी सी तीनों एक साथ यदि खोलेंगे नल को, तीनों नल को, तो टोटल इसमें 17 यूनिट पानी भर रहा है। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा, तो यह टंकी कितने भर जाएगा। तो कुछ नहीं करना है हमको, तीनों खोल रहे हैं तो 1 घंटे में कितना भर रहा है, ये 17 यूनिट भर रहा है। कुल हमारे पास कितना है, हमारे पास 60 है, तो आप डिवाइड कर दो। तो यहां पर जाएगा 60/ हो जाएगा आपका 17। तो पढ़ा पढ़िए, 17 34 17 3 कितना हो गया, 51 बच गया यहाँ पे 9, और नीचे बच गया आपका 17। तो 3 सही 1/9 घंटे, तो 3 सही 9/17 घंटे। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएगा, 3 सही 9/17 घंटे में ये तीनों नल जो है ये टंकी को भर देगा। तो अभी देखो, अभी तक वही कर रहे हैं जो करते आए हैं, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नल जुड़ गया है। इससे पहले 2 नल था, अभी यहां पे 3 नल है। तो ध्यान से देखिएगा
कब कहाँ पे क्या करना है हमको, ठीक है। खासकर इसकी कुल जो धारिता है इसकी, इसको याद रखिएगा कि कुल उस टंकी की क्षमता इतनी है पानी लीटर या यूनिट समझ लो भरने की। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी 2001 में क्वेश्चन पूछ चुका है। एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में और दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। तो यहाँ पे एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है, उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा गया, उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा गया, टंकी का भरा हुआ भाग क्या है। तो 2.5 घंटों तक खुला रखेंगे, उसको खोल देंगे तो उसका कितना भाग भरेगा, हमको ये निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नल ए और एक है नल बी, तो नल ए जो है 12 घंटे में और नल बी जो है उसको 8 घंटे में भरता है। अब यदि हम दोनों की एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ गया इसका 24, एलसीएम इसका आ गया 24। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी इफिशियंसी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 दोने 24, और ये हो जाएगा आपका कितना, 8 तिया 24। मतलब ए की जो क्षमता है एक घंटे भरने की वो है 2, और बी की जो क्षमता है एक घंटे भरने की वो है आपका 3। अब यहाँ पे देखिएगा कि उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है, 2.5 घंटे खुला रखते हैं, मतलब ये है कि एक घंटे में ए जो है वो 2 यूनिट पानी भरेगा और एक घंटे में बी जो है वो 3 यूनिट पानी भर रहा है। मतलब ये है कि ए प्लस बी जो है वो एक घंटे में कितना, 5 यूनिट पानी भर रहा है, ठीक है। तो कितना रखेंगे बोला है, तो 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे में देखिएगा ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, मतलब यहाँ पे देखिए करना क्या है आपको, 2 × 1/2, मतलब ये हो जाएगा 5/2, तो ये 2 × 2 = 4 और ये 5, तो 5/2 हो गया। तो यहाँ पे इसको हम 2.5 घंटे तक क्या रखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका 5/2 × 5 हो जाएगा, ठीक। 2.5 घंटे तक रखें कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 25/2। तो 25/2 यहाँ पे क्या हो गया, इसकी क्षमता हो गई, तो कुल यहाँ पे देखो कितना है, 24 है। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इसमें 25/2 हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 48। तो कुल यहाँ पे हम इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे क्षमता कितनी है हमारे पास, यहाँ पे हमको टंकी का भरा हुआ भाग बताना है। तो टंकी का भरा हुआ भाग बताना क्या करेंगे हम, 25/2 हो जाएगा आपका 48, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25/48, आंसर हो जाएगा इसका ए। तो यहाँ पे 48 का जो 25 भाग है वो क्या होगा, यहाँ पे भरा रहेगा यदि हम 2.5 घंटे तक क्या करेंगे, इस टंकी को, दोनों टंकी को खुला रखेंगे तब। देखिए ध्यान से क्या किए, फिर से यहाँ पे देखो, एक घंटे जो ए जो है वो 2 यूनिट भरता है, एक घंटे जो बी जो है वो 3 यूनिट भरता है, और यदि दोनों की बात करेंगे तो वो भरता है हमारा 5 यूनिट। अब यहाँ पे देखो एक घंटे में कितना, 5 यूनिट, तो 2.5 घंटे में कितना हो जाएगा, 25/2, तो 25/2 जो है वो किस में, देखो जो अंक है जो ज्ञात करना है ऊपर होता है, कुल वैल्यू कहाँ होता है, नीचे होता है, आपको पता है ना, हमेशा याद रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 24 को नीचे क्यों किया हूँ, ठीक है, 48 को ऊपर क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमको भाग निकालना है, हिस्सा निकालना था। तो यहाँ पे देखो ये इतना भर रहा है कितने, 2.5 घंटे में कितना, 25/2 भर रहा है, किस में, 24 में, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जो ज्ञात वैल्यू होता है, जो हम जैसे हम ज्ञात करते हैं उसको ऊपर रखते हैं, जो कुल वैल्यू होता है वो नीचे होता है, क्योंकि भाग निकालने के लिए हम उपयोग करते हैं वैसी। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान देना, जैसे आप, आपके पास जैसे बोलूँ मैं कि कोई 100 रुपये था या 50 रुपये था, ले लो 50 रुपये है, अब उसमें से 30 रुपये खर्चा हो गए, अब बोलूँगा कितने रुपये खर्च, कितने हिस्सा खर्च हो गया आपका, तो क्या करोगे आप, जो खर्चा किए हो जितना जो है वो नीचे, और कुल कितना था 50, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/5 क्या हो जाएगा, खर्चा हो गया आपका, आप यही बोलोगे ना, कुल कहाँ हो गया, नीचे हो गया, और जितना आप खर्च किए वो कहाँ हो गया, ऊपर हो गया। तो वैसे ही जो है वो ऊपर रख दिया,
और कुल कहाँ हो गया, नीचे हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे करना क्या है हमको, क्योंकि यहाँ पे हमको कितने घंटे भरता ये नहीं पूछा है, हमको क्वेश्चन पूछा था टंकी का भरा हुआ भाग, मतलब कितना हिस्सा क्या है यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो नल अलग अलग किसी टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट तक दोनों नल को खोल दिया जाता है, उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया जाता है, कितने मिनट बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा है SSC 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो अच्छे से करिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो नल की बात हो रही है, नल ए नल बी। तो दो नल अलग अलग किसी टंकी को, एक है 20 मिनट में और एक है आपके 60 मिनट में, क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का LCM निकालते हैं, उसकी कुल क्षमता निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 60। अब ये एक घंटे मिनट दिया हुआ है, तो एक मिनट में कितना भरेगा, तो 20 दिया हो गया 60, 3 यूनिट, और ये भरेगा एक मिनट में 1 यूनिट। ठीक है, तो ए जो है वो एक मिनट में 3 यूनिट पानी भरता है, और बी जो है वो एक घंटे में 1 यूनिट पानी भरता है। 10 मिनट तक दोनों नल को खोल दिया जाता है, तो 10 मिनट तक दोनों नल को खोल देंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो ध्यान से, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, मतलब यहां पे समझ लो कि ए जो है वो एक घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा और बी जो है वो एक घंटे में 1 यूनिट पानी भर रहा है। मतलब ये समझ लो कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक घंटे में 4 यूनिट जो है वो पानी भर रहे हैं। अब 10 मिनट तक दोनों को खोल दिया जाता है, 10 मिनट तक दोनों नल को खोल दिया जाता है, मतलब यहां पे देखो 4 इंटू हो जाएगा 10, मतलब कितना हो गया, 40 यूनिट। तो यहां पे देखिएगा कि 40 यूनिट यहां पानी भर गया, कितने में, 60 में 40 भर गया। उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया गया, पहले को बंद कर दिया, कितना बच गया, अब यहां पर बच गया हमारे पास कितना, 20। कैसे 20 बचा, तो 60 में हम 40 को माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, 20 यूनिट अभी बचा हुआ है हमारे पास, 40 भर गया है। तो 20 यूनिट को भरने का काम कौन करेगा, ए तो बंद कर दिया, देखो यहां पे बोला है, उसके बाद पहले नल को बंद कर दिया, मतलब ए को बंद कर दिया जाता है, तो कितने मिनट बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी। तो यहां पे देखो ध्यान से, बच कितना गया हमारे पास, 20, और ये कितना भरता है आपका, 1, यहां भरेगा 3। ये 3 भरेगा, यहाँ पर हो गया 6, सही 2/3। अब 6 से 2/3 है, पहले हो चुका है हमारे पास यहाँ पे 10, तो दिया हुआ था, तो कितने समय में बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा 10+6 2/3, कितना हो जाएगा, 16, सही 2/3 मिनट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा मिनट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन आप लिख लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा 16, सही 2/3 मिनट इसका आंसर होगा। देखो एक बार फिर समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है कि नल ए और नल बी, तो नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में और बी जो है उसको 60 मिनट में भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों का जो LCM कितना आ गया, 60 आ गया, यहाँ पे कितना गया, 20 दिया हो गया 60, और ये हो जाएगा 60 एकम 60, मतलब ये जो है नल ए एक मिनट में 3 यूनिट पानी भरता है और नल बी जो है वो एक मिनट में 1 यूनिट पानी भरता है, दोनों मिला कितना भरता है, 4 यूनिट एक घंटे में। तो 10 मिनट तक दोनों नल को खोल दिया जाता है, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मैं घंटे लिख दिया हूँ, आप इसको मिनट कर लीजिएगा। ठीक है, ये मिनट में है। ठीक, तो यहाँ पे 10 मिनट तक खोल जाता है, कितना भर गया, 40 यूनिट भर गया, कितना था कुल, 60 में। अब बच कितना गया हमारे पास, 20। अब 20 हो गया, अब सॉरी ए को बंद कर दिया है बोला है, तो ए को बंद कर देगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं बी कर दिया था, ए को बंद कर देगा, तो ए को बंद कर देगा, कितना है यहाँ पे, 20 है हमारे पास। अब ये 20 में से एक करेगा, कितना हो जाएगा आपको, 20 मिनट लगेगा इसको, तो 20 मिनट लगा हमको करने में। तो यहाँ पे देखो कितने मिनट के बाद टंकी पूर्णतः भर जाएगी, कितने मिनट बाद, उसके बाद तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 20 मिनट। ठीक है, हम ए को लेकर बना रहे थे, ठीक है, ए तो बंद हो गया,
बी होगा, तो बी कितना हो जाएगा यहाँ पे किए, ये हो जाएगा हमारा 20 मिनट, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी 20 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप क्वेश्चन होगा ये भी। नल ए तथा नल बी एक बाल्टी को क्रमशः, नल ए और नल बी, देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, सेम टाइप क्वेश्चन है दोनों। नल ए तथा नल बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो यहाँ पे दो नल की बात हो रही है, एक नल ए है और एक नल है बी। तो नल ए तथा नल बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल इकट्ठे खोल दिए जाए और फिर ए नल को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो बी नल को बाल्टी भरने में और कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा कि हम सेम टाइप का क्वेश्चन हम टाइम वर्क में कर चुके हैं, तो सेम टाइप क्वेश्चन हम टाइम वर्क में कर चुके हैं। अब यहां पे वैसी है, वहां पे आदमी की बात हो रही थी, यहां पे नल की बात हो रही है। तो यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे एक दिया है नल ए, यहां पे दिया नल ए और एक है आपका नल बी, एक है 12 मिनट और एक दिया हुआ है आपका 15 मिनट। फिर से दोनों का एलसीएम निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका 60। तो एलसीएम आ गया इसका 60। यदि दोनों नल इकट्ठे खोल दिए जाए और फिर ए नल को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए, अब यहां पे इसकी इफिशियंसी निकालते हैं, तो हो जाएगा 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 15 चौक 60। मतलब ए की जो है, ए एक मिनट में 5 यूनिट भरेगा, और पे नल ए नल बी किसी बाल्टी को 12 मिनट और 15 मिनट भर सकते हैं। तो ये हो गया 12 मिनट, ये हो गया 15 मिनट। हम दोनों का क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाले, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। मतलब कुल क्षमता कितनी इसकी, 60 है। अब ये हो जाएगा 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 12 चौक 60। अब इसकी जो है एक मिनट में जो क्षमता है वो है कितनी है, 5, और बी कितनी है आपका 4। तो यहां पे देखो, ए जो है वो एक मिनट में 5 यूनिट पानी भरता है और बी जो है वो एक मिनट में 4 यूनिट पानी भरता है। अब यहां पे दोनों की बात हो रही है, तो दोनों मिलकर करेंगे, दोनों जो है एक मिनट में 9 यूनिट पानी भर रहा है दोनों। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन बोला है कि फिर ए नल को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए, तो यहां पे 3 मिनट क्या चलेगा, दोनों चलेगा। तो यहां पे 9 कितना हो गया, 27 यूनिट पानी भर गया, क्योंकि 3 मिनट तक चलेगा दोनों। अब यहां पे 3 मिनट हो गया, उसके बाद ए को बंद कर दिए, ए को बंद कर दिए, 27 यूनिट भर चुका है, तो बचा कितना हमारे पास, 60 माइनस हो गया 27, कितना बच गया, 33 यूनिट बच गया हमारे पास। अब इस 33 यूनिट में जो है ए चला गया, अब किसकी बारी आएगी, अब आएगी बी की बारी। तो यहां पे हो जाएगा 33/4, 8 सही 1/4 मिनट। लेकिन यहां पे सेकेंड में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, वो जो फ्रैक्शन दिख रहा है आपका 1/4, उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कैसे करेंगे, 1/4 इंटू हो जाएगा आपका 60, करो कितना हो जाएगा, 4 × 4 बच गया, दो 4 × 5 = 20, मतलब 8 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, तो 8 मिनट 15 सेकेंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसका 8 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, जहां भी समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा, ठीक, कोई दिक्कत होगा तो। बस बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझिए, बार बार प्रैक्टिस करिए चीज़ों को, फिर आपका मैथ्स एकदम अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो सेम टाइप क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है। तो 10 घंटे बाद सी को बंद कर देते हैं, तो टंकी कितने समय में भरेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है रेलवे 2013 में, क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा ध्यान से। ठीक,
तो देखो ध्यान से देखिए, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, क्योंकि इनको एग्जाम पे पूछा गया है, तो उसको देखिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं इस तरह के, तो क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। टाइम वर्क और आपके पाइप टंकी दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, तो सेम टाइप आप कॉन्सेप्ट दोनों बनाए रखिएगा, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा दोनों। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे, एक है दिया है आपका ए, एक है बी और एक है सी, तो दो नल ए बी किसी टंकी क्रमशः कितना 15 और 20 घंटे में क्या कर सकते हैं, भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी इसको खाली करेगा। तो तीसरा नल सी क्या करता है 25 घंटे में, यहां पे सी ही लिख दिया हूं, 25 घंटे में क्या करता है इसको खाली करता है। तो सबसे पहला काम करते हैं तीनों का एलसीएम निकालते हैं, तो 15 20 और 25 तीनों का एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा, चलिए निकाल के बता रहा हूं एक बार आपको, 15 20 और 25 करीब 180 आएगा, देखते हैं। पांच से करते हैं, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, फिर दो से करते हैं, अब देखो जाएगा तो नहीं, फिर चलो वही कर लेते हैं 3 2 5, फिर टू से करते हैं 1 3 1 5, फिर थ्री से करते हैं 1 1 5, फिर हो जाएगा 5 से 1 1 1। यहाँ पे देखो 5 2 10 10 3 30, 5 2 10 10 3 30, 30 2 हो गया 60, 60 इंटू हो गया 5 और 6 पंच कितना हो गया 300। यहाँ पे एलसीएम आ गया इसका 300, इसको मल्टीप्लाई करिएगा वही इसका एलसीएम, तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया इसका 300। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कहते हैं कितना जाएगा, 15 2 30 कितना गया, 15 2 30 कितना गया, 20 बार गया, मतलब 20 भरता है, ये हो जाएगा 20, ये गया 15 बार, 15 भरेगा, और ये हो जाएगा 25, 25 चौक 12, तो ये 12 यूनिट क्या करता है ये खाली करेगा माइनस, तो ये 20 भरता है 15 भरेगा, ये 12 खाली करेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना कि एक घंटे में ए जो है वो एक घंटे में 20 यूनिट भर रहा है, भरा, बी जो है वो एक घंटे में 12 यूनिट भरा, और सी जो है वो एक घंटे में 10 यूनिट खाली किया, दो भरने वाले एक खाली करने वाले। इसका मतलब यह है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ करेंगे तो एक घंटे में कितना होगा, तो एक घंटे में हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 20 और 12 हो गया आपका 32, 32 और माइनस 10 कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पे 32 माइनस 10 कितना हो जाएगा 22 यूनिट, तो 22 यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे भर रहा है, ठीक है, जब तीनों को खोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रारंभ में तीनों नल को खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद करते हैं, 10 घंटे बाद मतलब ये समझ लो कि 10 घंटे तक तीनों चलेगा साथ में, तो 10 घंटे बाद कितना हो जाएगा 22 इंटू हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 220 यूनिट पानी भर जाएगा 10 घंटे में। अब बचा कितना, तो बचा हो जाएगा कितना आपका 300 में आप 220 को माइनस करो कितना बच जाएगा 80 यूनिट पानी बच गया इसमें, तो 80 यूनिट भर गया है। अब यहाँ बोला है कि सी को बंद कर दिया जाता है तो सी को बंद कर देंगे, अब भरने वाला कौन है, तो भरने वाला कौन बचेगा आपका ए और बी बचेगा केवल, भरने वाला तो ए और बी केवल बचेगा। अच्छा यहाँ पे 15 है जी, 15 ये 12 कर दिया हूँ, ठीक, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये 20 और हो जाएगा 35 में से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, ये 25 ये 35 होगा, ठीक है गलत कर दिए थे, ये हो जाएगा हमारा 25 यूनिट होगा। तो यहाँ पे एक घंटे में देखिएगा कितना होगा, ये हो जाएगा 25 × 10 इक्वल टू हो जाएगा 250 यूनिट, ठीक है। अब बचा कितना होगा, तो बचा हो जाएगा हमारे पास 300
माइनस 250 इक्वल टू कितना जाएगा, 50 यूनिट, 50 यूनिट हमारे पास बच गया। ठीक, प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। देखो अभी तो 10 तो हो ही गया है, अब आगे बचते हैं तो 50 है, तो 50 है तो ये जो ए और बी दोनों भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 50 बटे हो जाए कितना हो जाएगा 35, तो 50 बटे हो गया 35। कुछ गलत है, चल एक बार ना फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पे तीन नल की बात हो रही है, एक है नल ए, नल बी, नल सी। ये हो जाएगा 15, एक दिया है 20 और खाली करता है कितने, 25 घंटे में। अब यहां पे तीनों का एलसीएम निकाले, तीनों का एलसीएम आ गया आपका 300 यूनिट, तो 300 यूनिट यहां पे एलसीएम आ गया। 15 दोने ये हो जाएगा 20 यूनिट भर रहा है, ये हो जाएगा 20, दो कटेगा ये हो जाएगा 15 यूनिट भर रहा है, और ये हो जाएगा माइनस 25 करेंगे तो जाएगा 12 यूनिट ये खाली कर रहे हैं, माइनस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक ए जो है ये एक घंटे में 20 यूनिट पानी भरेगा और बी जो है वो एक घंटे में 15 यूनिट पानी भर रहा है। ठीक है, सी जो है वो एक घंटे में 12 यूनिट खाली कर रहा है और ये दोनों भरा भरा वाला है, दोनों भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है। अब यहाँ पे बोला है प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो प्रारंभ में तीनों खोल देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी एक घंटे में कितना होगा। तो ये देखिएगा कि 20 और ये जो हो गया 15 हो गया आपका 35, और यहाँ पे 12 को माइनस करें कितना हो जाएगा, ये जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 23, तो 23 यूनिट यहाँ पे है। हम वहाँ पे गलत लिए थे, यहाँ पे 12 को मैं 10 लिख दिया था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 23 यूनिट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक साथ भर रहे हैं, तो 10 घंटे तक क्या करेगा, दोनों चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 × 10 हो जाएगा 230 यूनिट। तो 230 यूनिट क्या हो गया, यहाँ पर पानी भर गया, अब बचा कितना बोलेंगे, तो बचा कितना हो जाएगा 300 − 230 कितना हो जाएगा 70 यूनिट। तो 70 यूनिट पानी यहाँ पे बच गया है। ठीक है, तो 70 यूनिट बच गया। अब ये 70 यूनिट जो है यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सी को बंद कर दिया जाता है, तो सी को बंद कर दिया, अब ए और बी करेंगे, तो कितना बचा हुआ है, देखो यहाँ पे बचा कितना है 70, और ए और बी कितना दिख रहा है यहाँ पे, देखो ए और बी कितना है 20 और 15 कितना हो गया 35, तो 35 कितना हो गया यहाँ पे 2 घंटे। तो यहाँ पे याद रखिए 2 घंटे ये हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है टंकी कितने समय में भरेगी, तो टंकी पहले 10 चला और वर्तमान में 2, तो ये हो जाएगा 10 + 2 = 12 घंटे। तो 12 घंटे लगेंगे इसको भरने में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 12 घंटे। तो 10 घंटे देखो 10 घंटे पहले चला और 2 घंटे सी को बंद होने के बाद क्या करेगा, ए और बी जो था वो भरेगा 2 घंटे में, तो इसकी उसको मैं 10 कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है दो नल एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 घंटे में भर सकती है, तो यहां पे सेम चीज करते हैं, पहले दो टंकी लेते हैं, सॉरी दो नल लेते हैं, एक है 12 और एक है आपका 15। तो दो नल जो है एक टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, एक अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, तो इसको लेते हैं सी, और ये खाली कितने में करता है, तो खाली करता है 6 घंटे में। ठीक है, अब यहां पे देखो समय इसको कम लग रहा है। ठीक है, अब तीनों इसको एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो 12, 15 और 6, तो तीनों के एलसीएम आ गया आपका 60, 12 × 6 = 60,
15 चौक 60 और 6 दहम 60, तो ये माइनस है खाली करने वाला और ये दोनों क्या है आपके भरने वाले। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि नल ए जो है वो एक घंटे में, घंटे दिया हुआ है, एक घंटे में 5 यूनिट भरेगा, नल बी जो है वो एक घंटे में 4 यूनिट भरेगा, नल सी जो है वो एक घंटे में 10 यूनिट खाली करता है। ठीक है, तो नल ए नल बी दोनों भरेंगे और नल सी जो है खाली करता है। अब यदि मैं एक घंटे की बात करूं, ए प्लस बी प्लस सी, एक घंटे में क्या होगा, तो एक घंटे में हो जाएगा ये 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1, मतलब एक यूनिट खाली होगा एक घंटे में। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, यदि पहले दोनों नल को खोला जाए, तो यहाँ पे तो दोनों बोला है, यदि पहले दोनों नल को खोला जाए और तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे याद रखना कि पहले दोनों नल को खोला जाए और तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोलेंगे, तो पहले तो 5 घंटा चलेगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना है 9, और ये कितना आ जाएगा आपका 5 घंटे चले कितना हो जाएगा, ये 45 यूनिट भर गया, 45 यूनिट भरा हुआ है। ठीक, अब 5 घंटे बाद खोला जाए, किसको खोलेंगे आप, सी को, तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो यहां बताया मैं आपको, अब ये तीनों काम करेगा, क्योंकि देखो यहां पे बंद करने नहीं बोला है ए बी को, यहां पे सी को खोलना है बोले, 5 घंटे चलेगा अब सी खोलना है, तो हमारे जो टंकी है उसमें 45 यूनिट पानी भरा हुआ है। अब ए बी सी तीनों जब एक साथ करेंगे तो एक घंटे में एक यूनिट खाली हो रहा है, तो 45 यूनिट जो है कितने घंटे में खाली होगा, तो 45 घंटे में होगा। तो यहां पे क्या करोगे, 45 बटे 1 करोगे, तो यहां कितना लगेगा, 45 घंटे लगेंगे उसको खाली होने में। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 घंटे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, दोनों को 5 घंटे चलाया तो यहां 45 मिनट पानी भर गया, 45 मिनट भर गया, भरने के बाद अब सी को खोलेंगे, तो सी को खोलेंगे हम लोग, तो क्या होगा, यहां पे सी खोलेंगे, तो सी खोलेंगे तो यहां पे तीनों जब चलेगा तो माइनस 1 हो रहा है, मतलब एक यूनिट खाली हो रहा है एक घंटे में। अब कितना यूनिट खाली करना है हमको, 45 यूनिट, तो एक घंटे में एक यूनिट, तो 45 घंटे में 45 यूनिट, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 45। बहुत आसान था क्वेश्चन आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, एक बर्तन दो पाइप से अलग अलग क्रमशः 20 और 30 मिनटों में भरा जा सकता है। तो दो बर्तन जो है वो अलग अलग दोनों भरते हैं कितने में, एक भरता है आपका 20 तथा दूसरा भरता है 30 मिनट में भरते हैं। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद कर दिया जाए कि बर्तन 10 मिनट में भर जाए। देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं बनाने का, मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं इसके बनाने का। देखो ध्यान से, यहां पे दो पाइप की बात हो रहा है, एक है ए पाइप ए और एक है पाइप बी, एक भरता है 20 और एक भरता है 30 मिनट में। अब हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम दोनों का आ गया 60। एक मिनट में इसका जो क्षमता है, इफिशियंसी है, ये जाएगा 20 दिया 60 और ये हो जाएगा 30 दूनी 60, मतलब ए जो है वो एक मिनट में दो यूनिट पानी भरता है और बी जो है वो एक मिनट में दो यूनिट पानी भरता है। अब यहाँ पे 60 टोटल इसकी क्षमता है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों पाइप को खोल देने पर पहला पाइप, तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि कौन से पाइप को बंद करेंगे, तो पहला पाइप बंद करेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा पाइप है तो पूरा चलेगा, कितना चलेगा, तो यहां पे दूसरा पाइप 10 मिनट के बाद भर जाए, मतलब आपका कब बंद कर दिया जाना चाहिए कि जो है वो 10 मिनट में पूरा क्या है वो भर जाए, मतलब 10 मिनट तक क्या हो जाएगा, जो बी है वो पूरा 10 मिनट चलेगा, कितना यूनिट हो गया, 20 यूनिट, तो 20 यूनिट हो गया हमारे पास ये, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि एक में दो चल रहा है यहां पे बी, तो बी तो पूरा चलेगा कितना, 10,
अब कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे, 40 बच गया, 40 बच गया है। अब ये जो 40 है ये क्या करेंगे, पहले पाइप को कब बंद करेंगे, तो कब बंद करेंगे मतलब यहाँ पे भी दोनों चल रहेगा, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 5 कर दो, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 8। 8 घंटे पहले क्या करेंगे हम, सॉरी 8 मिनट, घंटे नहीं है, 8 मिनट पहले क्या हो जाएगा, इसको बंद कर देंगे, तभी क्या हो जाएगा 10 मिनट में के बाद पूरा टंकी जो है भर जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, शुरुआत में क्या किए हम, जो 10 मिनट जो चलेगा कौन चलेगा, बी, तो पूरा चलेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो दोनों चलेंगे, तो 3 × 5 हो गया, कितना बचा हमारे पास, 40 मिनट बचा था, तो 5 से कितना आ गया, 8 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर 8 मिनट। ज़्यादा नहीं था, एकदम टफ नहीं थे क्वेश्चन, बस आसान थे, बस याद रखना कहाँ पे हमको क्या करना है। तो यहाँ पे 3 + 2 दोनों को जोड़ दिए, ये 5 से डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया हमारा 8 मिनट पहले क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो हमारा जो है वो जो टंकी है वो 10 मिनट में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ये भी पूछा गया है रेलवे 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सेम टाइप क्वेश्चन है ये भी, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो अभी किए थे सेम टाइप क्वेश्चन है, 10 घंटे बाद सी को बंद करेंगे। चलो इसको बता ही देता हूं, ए बी सी, तो ए बी सी दिया है, एक है 15, एक है 20, और तीसरा नल सी करता है इसको 25 घंटे में खाली करता है, 25 घंटे में क्या कर रहा है, इसको खाली कर रहा है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तीनों का एलसीएम वही आ गया फिर इसका 300, ये हो जाएगा 15 दोने, सेम क्वेश्चन है शायद ये जो फिर पहले किए थे, ठीक है, 20 दहम, सॉरी 15 बार गया है, ये हो जाएगा 12, खाली कर रहा है ये और ये दोनों भर रहे हैं। तो 10 घंटे बाद बोला है, 10 घंटे बाद सी को बंद कर देता है, तीनों खोलेंगे, तो यहाँ पे याद रखना, फिर से वही करता हूँ, ए जो है वो एक घंटे में कितना भर रहा है, ये भर रहा है 20 यूनिट भरेगा। बी जो है वो एक घंटे में कितना भर रहा है, ये भर रहा है आपका 15 यूनिट, और सी जो है वो एक घंटे में कितना खाली कर रहा है, ये कर रहा है 12 यूनिट। ये क्वेश्चन को सेम कर चुके थे हम, अभी 12 आंसर आएगा इसका। चलो फिर से कर रहा हूँ, अब ए प्लस बी प्लस सी एक घंटे में कितना हो जाएगा, ये 20 और 15 कितना हो गया, 35 माइनस 12 कितना हो गया, 230 यूनिट हो गया। अब यहाँ पे बोला है 230 नहीं जी 23 यूनिट होगा। अब 10 घंटे तक दोनों चलेगा, 10 घंटे तक चलेगा कितना हो जाएगा, 230 इंटू हो जाएगा 10, तो 230 कर दिया हूँ, 23 × 10 तो 230 यूनिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बचा कितना हमारे पास, तो बच गया हमारे पास 300 माइनस 230 तो 70 बच गया। अब कौन करेगा 70 को, 70 करेगा ए प्लस बी, तो 70 बटे हो गया 35 कितना आ गया 2, तो पहले 10 था तो 10 प्लस हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा आपका 12 घंटे। देखो क्वेश्चन को करा चुका हूँ, अभी कराया हूँ, रिपीट हो गया क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 घंटे। देखिए क्वेश्चन को, 12वां क्वेश्चन है, व्यापम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मान लो एक बीकर है या एक टंकी है, ठीक है, अब इसकी क्षमता पहले निकालेंगे। देखो क्या होगा, इसमें बोला है यदि 1/3 भाग भरा है तो 80 लीटर पानी आता है, मतलब ये समझ लेनी ध्यान से, मैं इसको तीन भागे बांटूंगा। क्यों बांट रहा हूँ, क्योंकि याद है हमको नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, कुल होता है, ऊपर वाला क्या होता है,
तो तीन में से एक का बोला है, तो मैं एक दो तीन, तीन भागे बांट दिया। अब उसका एक हिस्सा भरा हुआ है, देखिए उसका एक हिस्सा भरा हुआ है और कितना लीटर है ये 80। तो यदि मैं कुल क्षमता बोलूँगा क्या हो जाएगा, 80 ये भी, तो 80 ये भी, तो 80 ये भी, कितना हो जाएगा कुल क्षमता, कितना हो गया 8 × 3 = 24, तो कुल इसका 24 हो गया है। ठीक है, तो आधा, तो उसमें उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा, तो आधा भरेगा, सिंपल से बात है, टोटल कितना निकाल दिया मैं, कुल कितना क्षमता है इसकी 240, तो आधा कर दो, सीधा आंसर आ कितना आ जाएगा 120, आधा कितना जाएगा 120, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। देखो एक और तरीका बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट डायग्राम बना के बना सकते हो आप लोग, कि देखो यहाँ पे तीन कुल वैल्यू है, तीन बना दिए 81, तो तीन कितना हो गया 240, तो कुल 240 है, तो यहाँ बोला है उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा, तो टोटल इसकी क्षमता होगी 240, तो आधा कितना हो जाएगा 120। एक और देखकर क्या, देखो यदि 1/3 भाग कितना भरता है 80 लीटर भरता है, मतलब एक का वैल्यू है 80, तो तीन का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 × 3 240 यूनिट। ठीक है, अब इसका आधा करूंगा मैं, तो आधा करेंगे क्या हो जाएगा 240/2 120 यूनिट, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर बी 120 यूनिट। आसान थे क्वेश्चन बहुत। देखिए क्वेश्चन है, किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। अब किसी टैंक का, फिर से टैंक बनाते हैं, तो देखो जब भी इससे क्वेश्चन आएगा आप डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छे से बनेगा, आपसे इसके आंसर निकलेगा। चार भाग करते हैं, देखो क्या होगा, नीचे वाला जो होता है 3/4 बोला है, मतलब कुल भाग कितना है 4 है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए, 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, मतलब ये समझ लो कि यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, देखो 1, 2, 3, 4 चार हिस्सा था, तीन भाग भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, उनमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए, 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, तो उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, मतलब ये था कि जो 3 यूनिट है वो 30 लीटर के बराबर होगा, क्योंकि जितना भरेगा उतना ही तो है, तो 30 लीटर पानी को निकालूंगा मैं तो टंकी खाली हो जाती है बोला है, तो भरा उतना ही है, कितना उसमें 3, तो इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 30 लीटर, 1 का हो जाएगा 30/3 कितना हो जाएगा 10 लीटर, तो टंकी की धारिता क्षमता कितनी है टंकी की, तो बोलेंगे तो 4 था तो 4 × 10 40 लीटर, आंसर हो जाएगा सी 40 लीटर, क्योंकि कुल कितना है 4 है, देखो 3 भरा हुआ है और इतने में कितना 30 पानी आ रहा है, तो 3 में 30 आ रहा है तो 4 में कितना आएगा 40 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 40 लीटर, तो इसको याद रखिएगा 40 लीटर। चलिए यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया।